गजब, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ से, आओ दोस्तों आपको एक साइड पे लेके चलता हूँ ऑडिटोरियम की। ये है एचडी विद्या मंदिर पानीपत में, इसके स्कूल में एक ऑडिटोरियम बन रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। आओ देखें हम, ये है ऑडिटोरियम पूरा का पूरा, ये देखो आप। दोस्तों ये देखिए, ये है ऑडिटोरियम और हम ऑडिटोरियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ, देखिए कितना बड़ा ऑडिटोरियम है ये। ये यहाँ पे स्टेज है इसकी, स्क्रीन लगी हुई है इसकी, ये जो इसकी पूरी की पूरी एकॉस्टिक की गई है, ये की गई है ब्लैक वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में। और लाइटिंग देखिए एलईडी, एकदम किनारे किनारे एलईडी स्ट्रिप टाइप की लाइटें और ऊपर छोटी छोटी एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, इस ऑडिटोरियम में ऑडियो लाइटिंग, वीडियो और आपका कर्टेन, इन सब का काम हमने ही किया है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है वो सारा काम हम ही ने किया है। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या क्या काम हमने किया है और कैसा यहाँ का लुक है। ये देखिए, ये है इसकी स्क्रीन, स्क्रीन भी आपकी काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे, परफोरेटेड स्क्रीन है। आप देखिए यहाँ पे करीब सिनेमा हॉल में जिस साइज़ की स्क्रीन लगती है वो स्क्रीन का साइज़ है यहाँ पे। और ये देखिए सामने यहाँ पे ये लाइटें लगाई गई हैं और पीछे स्पीकर है, ये भी हम ही ने ही काम किया है। ये कर्टेन आप देख रहे हैं, ये सारा हमने किया है। ऊपर आप देखेंगे ये लाइटिंग, ये सारी लाइटिंग हम ही ने लगाई है यहाँ पे, हमने ही इंस्टॉल की है, हमने ही यहाँ सेल की है। सामने भी आप देखेंगे लाइटिंग हमने ही लगाई है और उसके पीछे स्पीकर है वो भी हमने ही लगाया है। ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ऑडिटोरियम, ऊपर जस्ट आप देखेंगे ये प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर के ऊपर देख रहे हैं आप वो खिड़की है, वहाँ पे दो लोग हैं, वो है कंट्रोल रूम। और ये है नितिन, आप समझिए मेरा छोटा भाई है ये, या तो शिष्य भी कह सकते हैं, अब आप कुछ भी समझ लीजिए। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, इस ऑडिटोरियम का जो साइज़ है टोटल, जो इसकी लंबाई है यहाँ से वहाँ तक की, वो है करीब 10,000 स्क्वायर फीट और इसकी चौड़ाई जो है वो है करीब 70 से 80 फीट के आसपास में। और स्टेज की भी हाइट करीब 3 फीट ऊपर है फ्लोर से। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हमने दिया है ऑडियो का, क्योंकि मैं ऑडियो के लिए ज़्यादा मेरे को नॉलेज है तो मैं ऑडियो का आपको बताऊँगा, लाइटिंग का और वीडियो का नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा। लेकिन लाइटिंग हमने यहाँ PLS की लगाई है और वीडियो में हमने यहाँ पे बारको का प्रोजेक्टर लगाया है, करीब 20 लाख रुपए का प्रोजेक्टर है जो सामने लगा हुआ है। उसके साथ हमने AMX के स्विचर, कंट्रोलर और जितने भी इक्विपमेंट आते हैं वीडियो के वो सारे AMX के लगाए हैं। तो ये सारा काम हम ही ने किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑडियो का ज़्यादा जानकार हूँ तो आपको मैं ऑडियो के बारे में बताऊँगा। आप ये स्पीकर देख रहे होंगे, ये है JBL का MG85, 15 इंच का स्पीकर है ये, एक यहाँ है एक वहाँ सामने लगा हुआ है। आप देखिए ये दोनों यहाँ लगाए हैं हमने मॉनिटरिंग के लिए, और साथ में मॉनिटर के लिए यहाँ पे फ्रंट पे स्टेज पे यहाँ के लिए हमने दो PRX 412 दिए हैं 300 वाट के, और ये हमारा एक स्पीकर है आपका 400 वाट का। तो हमने चार टोटल यहाँ मॉनिटरिंग के लिए दिए हैं, जिसमें से दो हमारे यहाँ पर आप देखिए वॉल पर फिक्स हैं और बाकी दो हमारे यहाँ मूवेबल हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हमने जंक्शन बॉक्स लगा रखे हैं, स्टेज बॉक्स समझ लीजिए। इसमें हमने यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे XLR स्पीकॉन सारे यहाँ पे लगा के रख दिए हैं, कनेक्शन कर दिया है। चार स्टेज बॉक्स लगे हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्कूल का देखिए HD विद्या मंदिर जोन उसका लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये बेस है, ये है JBL की MG82
2000 वाट की बेस है, डबल 18 इंच की बेस है। जो मैंने आपको एक गोवर्धन में इंस्टॉलेशन का वीडियो दिखाया था उसमें भी यही बेस हमने लगाया था। बहुत ही पावरफुल बेस है, 2000 वाट कंटिन्यू पावर है, 4000 वाट इसका प्रोग्राम पावर है। आप इसका फ्रंट देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बेस है ये, वहाँ भी अच्छा काम कर रहा था, आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रंट फिल के लिए JBL के AC 18 दिए हैं, 4 पीस। और देखिए किस तरीके से हमने स्टेज के अंदर इसको फिक्स किया है, पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ स्पीकर लगे हैं, ये स्पीकर सिंगल 18 इंच, सिंगल 8 इंच के ड्राइवर के साथ आता है। और 250 वाट इसकी कंटिन्यू पावर है, 500 वाट प्रोग्राम पावर है। ये 4 हमने यहाँ पे फ्रंट फिल के लिए दिए हैं, स्टेज के नीचे बिल्कुल फिक्स करके। आप देखिए, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कस्टमर को दिक्कत भी ना हो और उसको मज़ा भी अच्छा है और पता भी ना लगे कहाँ से साउंड आ रहा है और इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आ रही है। आप देखिए, स्टेज में कैसे फिक्स है, सिर्फ फ्रंट फ्रंट बाहर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ FOH में हमने कौन से स्पीकर दिए हैं, ये देखेंगे आप। ये है JBL का AM5212, ये भी एक 12 इंच के ड्राइवर के साथ आता है स्पीकर। यहाँ देखिए, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, हमने हैंग किए हैं एक साथ। ये एक स्पीकर 350 वाट कंटिन्यू और 700 वाट की पावर देता है प्रोग्राम पे, यानी कि 1400 वाट आपके FOH में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये जितनी आप देख रहे हैं ये लाइटिंग, ये सारी लाइटिंग हमने ही यहाँ इंस्टॉल की है। मेरी टीम आज लाइटिंग की नहीं आई है, नेक्स्ट टाइम लाइटिंग की टीम आएगी तो मैं आपको इसके बारे में भी पूरा बताऊंगा कैसे कैसे कौन सी लाइटें लगाई हैं। इसका भी काम हम ही ने किया है यहाँ पर। उसके बाद डिले में आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर डिले में भी हमने 2 स्पीकर दिए हैं लेफ्ट और राइट में, एक उधर है एक ये रहा। जिनकी खांसी की आवाज़ आपको आ रही है ये हमारे गुरुजी हैं, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन और सॉल्यूशन की मैपिंग जो भी करनी है वो उन्होंने किया, अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। ये भी AM5212 है, 350 वाट कंटिन्यू, 700 वाट प्रोग्राम, 12 इंच स्पीकर। 2 हमने यहाँ डिले पर रखे हैं, करीब 30 से 35 फुट का डिस्टेंस रखा है FOH स्पीकर से। उसके बाद सबसे मेन, जिस इंसान ने ये सारी चीज़ें प्रोग्राम की हैं, इंस्टॉल की हैं, लगाई हैं, वो इंसान है ये श्रीमान रमेश कुमार जी, हमारे बड़े भाई समझ लो आप, हमारे पिता समान समझ लो, चाचा समझ लो, जो समझना है समझ लो, इनका ही सारा करा धरा है यहाँ पर। भाई साहब आप बताइए ये सारा किसने किया है, आप ही ने किया है ना, ये कहेंगे नहीं कुछ लेकिन ये मैं जानता हूँ। गोवर्धन वाली साइड जो थी वो भी इन्होंने ही पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, मैपिंग, सॉल्यूशन, डिजाइनिंग सब कुछ इन्होंने किया, और इस साइड का भी इन्होंने किया। बहुत सारी ऐसी सैकड़ों साइटें ये कर चुके हैं, अगर आप लोगों को भी ऐसी ही अच्छी बड़ी साइटों का कुछ काम कराना है, कुछ ऐसी मैपिंग करानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर मैं डाल दूंगा, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामर हैं ये, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, हमने भी इन्हीं से सीखा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए व्यू देखते चलिए आप। यहाँ मैं इनर एरिया में आया, यहाँ आप देखेंगे डिले में हमने यहाँ दिए हैं JBL के AC सीरीज के AC 28, ये डुअल 8 इंच के स्पीकर हैं, इसमें 2 डुअल 8 इंच के आपको ड्राइवर मिलते हैं। ये भी 500 वाट कंटिन्यू, 1000 वाट प्रोग्राम पावर के साथ आता है। यहाँ हमने दिए हैं 4, ये देखिए आप, 2 इधर हैं और एक एक, तो टोटल 4 हमने यहाँ दिए हैं। और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ मेरा, काफ़ी अच्छा
काम करने का मौका मिलता है ऐसी बड़ी साइट पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब आप देखिए सामने स्क्रीन कितनी दूर है यहाँ से। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ भी हमने स्पीकर दिए हैं। थोड़ा अंधेरा है यहाँ अभी, आप ये समझिए ये जो वीडियो मैं जिस टाइम बना रहा हूँ रात के 11:30 बज गए हैं, आवाज़ मेरी यहाँ गूंज रही है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है रिवर्ब की, ऑटोमेटिक रिवर्ब है यहाँ पर। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ इनर एरिया मैंने दिखाया था, उसके ऊपर का एरिया। यहाँ अभी हमने डिले के लिए AM5212 दिए हैं दो पीस, एक और एक यहाँ पर है दूसरा। लुक देखिए इसका, फुल ट्रायंगुलर शेप में है बैक से। और देखिए फुल ग्रे ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में अकॉस्टिक का काम किया गया है यहाँ पर। और ये जो भाई खड़े हुए हैं, ये भाई हैं हमारे प्रकाश भाई, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये अभी मैंने अपने गुरुजी बड़े भाई से मिलवाया था आपको, रमेश जी से, ये उनके इकलौते श्री राम है, बहुत जल्दी में है, शर्माते बहुत हैं ये। कंट्रोल रूम की तरफ देखो कैसे भागते हुए जा रहे हैं, देखो भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं, हम चलते हुए जाएंगे कंट्रोल रूम की तरफ। भाई बहुत गर्मी है कंट्रोल रूम में, एक पंखा बड़ी मुश्किल से मिला है। दिक्कत यह है हम ऑडियो वालों को कोई कुछ समझता ही नहीं है, जब काम खराब होता है तभी कहते हैं काम खराब हो गया, ठीक होने पे सबको लगता है पैसा दिया है तो काम तो करेंगे। ये देखिए भाई यहाँ लैंड टेस्ट कर रहे हैं, चलिए हम अपना काम करते हैं। हमने यहाँ पे ऐसा इम्पैक्ट किया है लेकिन वो अभी अवेलेबल ही नहीं है कंपनी में, तो इन्होंने अपना MG 3214 FX पुराना मिक्सर दिया है हमें यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तब तक ये इससे काम चलाएंगे। ये हमारा पूरा रैक है, इक्विपमेंट रैक। लास्ट में ब्राउन फिल्म देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम हमने क्या क्या यहाँ पे दिया है ऑडियो में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे DBX का AFS2 दिया है, फीडबैक सप्रेशर। उसके बाद दिया है हमारा BSS का Blue 101 AEC वाला। उसके नीचे देखिए क्राउन XLC 21300 1300 वाट पर चैनल, 4 ओम पे 2 चैनल का एम्पलीफायर है। उसके नीचे देखेंगे आप DCI-8600N 8 चैनल का एम्पलीफायर, नेटवर्क एम्पलीफायर है, 600 वाट पर चैनल देता है, 4 ओम 8 ओम और 100 वोल्ट 70 वोल्ट पे। ऐसी एप्लीकेशन में इस टाइप के एम्पलीफायर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिजली भी आपकी बचाते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं आपको। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ है CDI सीरीज का CDI 2 1200 BL 2 1200 2 चैनल का, पर चैनल 1200 वाट, 4 ओम 8 ओम 100 वोल्ट लाइन 70 वोल्ट लाइन दोनों पे DSP इनबिल्ट है और ब्लू लिंक के साथ है। नीचे भी वही मॉडल है 2 1200, और उसके नीचे आप देखेंगे नीचे उसके भी वही मॉडल है 2 1200, 3 CDI 2 1200, 1 DCI 8600N, 1 XLC 21300, Blue 101 एक और एक AFS2 दिया है, और सबसे नीचे हमने दिया है CDI 6000। तो इन पर ही हमारे ये सारे स्पीकर चल रहे हैं, इन्हीं पे सारा कनेक्शन किया गया है। मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ, बड़ी साइट होती है दोस्तों, वहाँ पे हम कुछ भी लूज में नहीं कर सकते। भाई मेरे परेशान हो रहे हैं मेरे चक्कर में, जो है ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इनकी बोली जो है वो कभी बंद नहीं होती है, तो ये मेरे चक्कर में रुके हुए हैं। तो देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ये देखो। चलो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते और चलते हैं आगे। इधर देखिए ये कंट्रोलर है लाइट का, लाइटिंग का मुझे पता नहीं है लेकिन काम अभी ने किया है, लाइटिंग वाले जब आएंगे तो इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत गर्मी है यहाँ पे, यहाँ हमारे XLR कनेक्टर रखे हुए हैं, AMX के स्विचर कंट्रोलर सब कुछ यहाँ पे है। ये देखिए
DXTX लिंक, PR4040 सब कुछ है यहाँ पे। और साथ में एक देखिए यहाँ पे स्प्राइट भी है जो खत्म हो चुकी है, देखो उन्होंने खुद ही बता दिया। चलो भाई आप अपना काम करो, हम चलते हैं नीचे, ठीक है? आप नीचे जाएंगे, मैं अभी ऑटो चलाऊंगा। अब देखो इन्होंने, देखो हमारे बिना बोले मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मैं आपको ऑडियो टेस्ट कराने वाला था, अब ये ऑडियो आपको ऑटोमेटिक देखिए ऑन हो गया है, यहाँ पे सब कुछ ऑन हो गया है। अब ये ऑडियो टेस्ट कराएंगे हमें, चलिए हम नीचे चलते हैं और ऑडियो चेक करते हैं इसका, हर जगह से क्या क्वालिटी आ रही है आपको भी पता लगेगी। और एक चीज़ और, ये देखो ये है बारको का प्रोजेक्टर, हमारे जीजा जी हैं बारको में, 20 लाख का प्रोजेक्टर है ये देखो। और मेरा एक भाई जो है वो नाराज हो रहा है कि मैंने उसका तो कुछ बताया ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, लेकिन आपने उसको मेरे हर वीडियो में देखा होगा, नाम भी आप जानते होंगे उसका, ये देख लो सामने है, ये है तरुण। यूँ समझ लो कि यहाँ सारा काम इसी ने किया, मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा था आज पूरे दिन। और ये नया नया हमारा लालचंद भाई है हमारे, ये हंस क्या रहा है तू, मतलब अब हम टेस्टिंग करेंगे साउंड की, तब तक देखो क्या लुक है इसका, जबरदस्त फुल ग्रे ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन, लाइटिंग देखो फ्रंट से, लाइटिंग वाला बंदा हमारा आज आया नहीं, ये देखो म्यूजिक चल गया भाई, कॉपीराइट जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कॉपीराइट कर लेंगे हम, सारे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, देखो ये मेरी बना रहे हैं, मैं इनकी बना रहा हूँ वीडियो, फुल टेस्टिंग चल रही है दोस्तों। जी कुछ कहना तुझसे मैं कह पाया नहीं, पर तू दिल दा हाल ना मुझ दी मैं समझाया नहीं। भाई ऐसी कोई साइट हो ना तो आप गुरुजी का नंबर डालूंगा, उनको कांटेक्ट कर लेना, इनसे बढ़िया प्रोग्रामिंग कोई नहीं कर सकता, 10 साल से देख रहा हूँ इन्हें। सच्चा रब जान दावे सच्चियां मोहब्बत आने जट में है मेरी, आओ ऊपर चलें, पीछे धीरे धीरे पीछे चलेंगे हम लोग, मजा आ रहा है यार, फील जबरदस्त है, एकदम दूर आ जाएंगे लास्ट में बिल्कुल। भाई देखो सुनो, आस्था गिल ये देखो अब एकदम लास्ट में आ गया हूं मैं, देखो आप आओ चलो ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से देखेंगे अलग व्यू दिखता है, एकदम फुल बालकनी वाले सिनेमा हॉल का व्यू दिखेगा, आओ आओ ये देखो हमारा बालकनी, यहाँ देखो हमारा
कंट्रोल रूम। अभी रुको, तरुण ने ले लिया है अपने हाथ में कंट्रोल, अब गाना लगाएगा बढ़िया। वो भाई हर हर शंभू लगवाया है, इस गाने का मजा ये लगे। देखो ये स्पीकर ये रहा और एक स्पीकर ये रहा, आप देखो सामने स्क्रीन। आज गजब, बहुत बढ़िया। ये देखो यहां से बस तो व्यू दिख रहा है ना दोस्तों। अभी तो यहाँ पे हम चेयर का भी हम ही काम कर रहे हैं, चेयर भी हम ही लगाएंगे। आप तब तक सुनो, साउंड टेस्टिंग चेक कर ली है और आपको मैंने बता दिया क्या सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। पीछे हमारा ऑपरेटर खड़ा हुआ है, ये देखो कि बैंड बजी पड़ी है। चलिए मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन आप लोग प्रॉमिस कीजिए वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर बताएंगे कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। डाउन कर बेटा, डाउन कर। यहाँ पे साउंड टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आप लोग मुझे बताना आपको कैसी क्वालिटी लगी है। और ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप कांटेक्ट करना मुझे या मेरे गुरुजी का नंबर दूंगा उनको। हम लोग ऐसी बड़ी साइट के लिए बहुत फेमसिंग है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है। अब एक हमारा काम जहाँ होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।